गाइस आज तक हम लोगों ने फ्री फायर के टॉप 5 प्लेयर्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं आपको फ्री फायर के मोस्ट डेंजरस प्लेयर दिखा चुका हूँ, फ्री फायर के फास्टेस्ट प्लेयर दिखा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने ज्यादातर जो वीडियोस देखी हैं उसके अंदर ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिसको आप लोग पहले से जानते हो, जैसे कि विंसेंजो, रायस्टार और वाइट 444। अब ज्यादातर जो वीडियो होती है उनमें इन्हीं का नाम आता रहता है, जिसमें से जो डिजर्विंग प्लेयर होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। गाइस इसलिए आज मैं फ्री फायर के टॉप 5 मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स की वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको पूरे वर्ल्ड के 5 सबसे खतरनाक फ्री फायर प्लेयर्स दिखाने वाला हूं, जिनका गेम प्ले इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि अगर उनके सामने वाइट 444 भी आ जाता है तो वो लोग बड़ी आसानी से वाइट 444 को हरा सकते हैं। और हमारे लिस्ट के अंदर एक प्लेयर तो ऐसा भी है जो कि हमारे इंडियन सर्वर से है, लेकिन इसके बाद भी उसने बहुत पूरी तरीके से वाइट 444 को हरा रखा। और शायद आप में से बहुत सारे बंदों को उस प्लेयर के बारे में नहीं पता होगा कि आखिरकार वो कौन बंदा था, क्योंकि हमारे इंडिया से था और उसने वाइट 444 को हरा दिया था। गाइस आज की वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्लेयर्स दिखाने वाला हूं उनका गेम प्ले किसी हैकर से कम बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर उनके सामने पूरे 4-4 हैकर भी आ जाए ना तो वो लोग बड़ी आसानी से 4-4 हैकर को भी हरा देंगे। तो गाइस अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आखिरकार वो कौन से प्लेयर्स हैं, तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और चलो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फ्री फायर के मोस्ट डेंजरस प्लेयर नंबर 5 के साथ। तो गाइस हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 5 जो फ्री फायर का मोस्ट डेंजरस प्लेयर आता है उसका नाम है PN Rex, जो कि प्रो नेशन गिल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीसी प्लेयर। और हमारे इंडियन सर्वर के पीसी प्लेयर की लिस्ट के अंदर भी ये बंदा काफी ऊपर आता है, क्योंकि इस बंदे का जो पीसी का गेम प्ले ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। मतलब इस बंदे ने बहुत बार रायस्टार के साथ भी कस्टम करा है, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे इस बंदे ने रायस्टार को इतनी बार नॉक करा है और इतनी बार हराया है। अभी जो आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहा हूँ, यहाँ पर PN Rex खेल रहा था रायस्टार के साथ, और इसमें आप लोग खुद देख लो कि इस बंदे ने रायस्टार को कितनी बार मारा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई सीरियस कस्टम नहीं था, ये बस एक फ्रेंडली कस्टम था। लेकिन यार इसके बाद भी इस बंदे ने उस वाले कस्टम के अंदर इतना तगड़ा खेला था, जिसको देखकर रायस्टार खुश शॉक हो गया था और वो भी बोला था कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तो चलिए फिर मैं आपको इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूं और रायस्टार का रिएक्शन भी दिखाता हूं इस बंदे के ऊपर। तो PN Rex का गेम प्ले आप लोग ये देखो। दो बार के खत्म करना, लेकिन सर बार बार I'm still in the field like Juarez, in a 4x4. We get money regardless. Flash man up like I lost my taste. Keep flashing cards till it's his face. Bust my nose, my life's a movie. तो गाइस आप लोगों ने इस बंदे का गेम प्ले देखा, अब यहाँ पर मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस बंदे का गेम प्ले कैसा लगा। तो चलो फिर ये था हमारा प्लेयर नंबर 5, अभी हम लोग बढ़ते हैं फ्री फायर के मोस्ट डेंजरस प्लेयर नंबर 4 की ओर। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 4 जो फ्री फायर का मोस्ट डेंजरस प्लेयर आता है वो बंदा ब्राजील सर्वर से, और हैरानी की बात ये है वो बंदा एक फोन प्लेयर है। लिटरली जब भी मैं मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स की बात करता हूँ उसमें बहुत कम ही ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि फोन प्लेयर्स, क्योंकि फ्री फायर के अंदर ज्यादातर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो पीसी में पाए जाते हैं, क्योंकि फोन के अंदर खेलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनका फोन का गेम प्ले भी किसी पीसी से कम बिल्कुल नहीं है। तो गाइस उनमें से एक बंदा ये भी है जिसका नाम है MaxAdoFS, जिसके चैनल पे करंटली अभी 600,000 सब्सक्राइबर हैं, और आप में से बहुत कम ही ऐसे बंदे होंगे जिनको इसके बारे में पता हो, क्योंकि ये बंदा भी हमारे इंडियन सर्वर में इतना फेमस नहीं है। लेकिन इस बंदे का जो गेम प्ले ना वो सच में बहुत ही ज्यादा ओपी, और इस बंदे के इसी गेम प्ले की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है ये बंदा कोई हैकर है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये बंदा आईफोन में खेलता है जिसके अंदर हैक यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका मतलब 90% ये बंदा एक फेयर प्लेयर है। आप देखो 10% हम लोग किसी का भी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी 90% बहुत होता है। तो अगर हम लोग बात करें इस बंदे की गेम प्ले की, तो गाइस इस बंदे के गेम प्ले के अंदर मुझे दो सबसे अच्छी चीजें लगी हैं। सबसे पहले तो इस बंदे की मूवमेंट स्पीड, ये बंदा एक फोन प्लेयर है लेकिन इसके बाद भी इस बंदे की मूवमेंट स्पीड किसी पीसी प्लेयर से कम नहीं है। और इस बंदे के गेम प्ले के अंदर दूसरी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो इस बंदे की एक्यूरेसी। ये बंदा इतना फास्ट खेल रहा है लेकिन इसके बाद भी इस बंदे का जो एम है वो ज्यादा मिस नहीं हो रहा है। मतलब अगर इस बंदे के सामने कोई ओपन में आ गया तब तो भाई उस बंदे का हेडशॉट पड़ना गारंटी है। तो चलो फिर मैं आपको इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूं। तो इस बंदे का गेम प्ले आप लोग ये देखो। तो
गाइस आप लोगों ने देखा इस बंदे का गेम प्ले भी यार काफी ओपी है। तो चलो फिर ये था हमारा प्लेयर नंबर 4। अभी हम लोग बढ़ते हैं फ्री फायर के मोस्ट डेंजरस प्लेयर नंबर 3 की ओर। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 3 पे जो फ्री फायर का मोस्ट डेंजरस प्लेयर आता है वो बंदा कोई और नहीं है बल्कि थाईलैंड सर्वर का सबसे ज्यादा खतरनाक पीसी प्लेयर क्रूक एफएफ है, जो कि थाईलैंड के साथ साथ हमारे इंडियन सर्वर में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बंदे सोचेंगे भाई बंदा फेमस है तो इसको आखिरकार मैंने लिस्ट के अंदर क्यों ले लिया। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, आज तक मैंने जितने भी बेस्ट प्लेयर के ऊपर वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने कभी भी रूक एफएफ का नाम नहीं लिया। और आप में से कई सारे ऐसे बंदे भी होंगे जिनको शायद रूक एफएफ के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बंदे के बारे में कुछ बता देता हूं। तो गाइस ये बंदा थाईलैंड सर्वर से है और ये बंदा वहां का सबसे खतरनाक पीसी प्लेयर है और ये बंदा अपने गेम प्ले के साथ साथ अपनी एडिटिंग की वजह से भी फेमस है। आप लोग यहां पर इस बंदे का वीडियो देख सकते हो। इस बंदे का जो वीडियो होता है ना वो बहुत ही ओपी एडिटेड होता है और ऐसा एडिट करना ना काफी मुश्किल होता है। लेकिन चलो एनीवेज यहां पर हम लोग एडिटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग गेम प्ले की बात कर रहे हैं। तो अगर फ्री फायर के अंदर गेम प्ले की बात आती है तब यार ये बंदा काफी ज्यादा ऊपर है क्योंकि सच में बंदा फ्री फायर को एक हैकर जैसा खेलता है। मतलब यार एक बार तो मुझे भी लगने लगा था ये बंदा कोई हैकर है। लेकिन देखो अगर ये बंदा हैकर होता तो इतने सालों में इस बंदे की आईडी तो बैन होती। लेकिन इस बंदे की आज तक कोई भी आईडी बैन नहीं हुई है, जिससे तो यही प्रूव होता है कि ये बंदा कोई हैकर नहीं है। तो चलो फिर सबसे पहले तो आप लोग इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले देखो, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। गाइस आप लोगों ने देखा ये बंदा भी यार कितना ज्यादा खतरनाक खेलता है। मतलब इस बंदे का गेम प्ले देखकर तो लगता है ये बंदा फ्री फायर में बॉडी शॉट तो मारता ही नहीं है। तो चलो फिर ये था हमारा प्लेयर नंबर 3। अभी हम लोग बढ़ते हैं फ्री फायर के मोस्ट डेंजरस प्लेयर नंबर 2 की ओर। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर जो हमारा प्लेयर आता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडियन सर्वर का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीसी प्लेयर स्मूथ 444 है, जो कि नॉनस्टॉप गेमिंग गिल्ड का सबसे खतरनाक प्लेयर। लिटरली इंडियन सर्वर के अंदर बहुत सारे बंदे अच्छा खेलते हैं लेकिन जैसा ये बंदा खेलता है वैसा कोई भी नहीं खेलता, क्योंकि फ्री फायर के अंदर ज्यादातर जो बंदे होते हैं ना उनका गेम प्ले इतना रियल नहीं होता है। वो लोग अपने वीडियोस के अंदर तो अच्छा खेलते हैं, जब बात रियल लाइफ या लाइव स्ट्रीम की आती है तो वो लोग इतना अच्छा नहीं खेल पाते। लेकिन स्मूथ 444 जैसा अपनी वीडियोस के अंदर खेलता है लाइव स्ट्रीम और रियल लाइफ के अंदर भी बंदा वैसा ही खेलता है। तो चलो फिर मैं आपको इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूं। तो स्मूथ 444 का गेम प्ले आप लोग ये देखो। गाइस स्मूथ 444 का गेम प्ले देखने बाद आप लोग समझ गए होंगे कि इस बंदे को आखिरकार मैंने नंबर 2 पर क्यों रखा। तो चलो गाइस यहां तक हम लोगों ने बात कर ली हमारे टॉप 4 प्लेयर्स की, अभी बस लास्ट का एक प्लेयर बाकी है। और मैं जानता हूं आप लोग भी सोचोगे कि आखिरकार टॉप 1 पर कौन हो सकता है, क्योंकि टॉप 2 तक इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं तो टॉप 1 पर तो कौन होगा। तो चलो फिर हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं फ्री फायर के बेस्ट प्लेयर नंबर 1 की ओर। मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स ऑफ फ्री फायर की लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर जो प्लेयर आता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे फ्री फायर का एक बहुत ही पुराना लेजेंड एमएटेन है। अब इस चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप इसे जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं उनको पता होगा कि एमएटेन कौन है, लेकिन जो हमारे न्यू प्लेयर्स हैं शायद उनको एमएटेन के बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, एमएटेन जो है ना वो रायस्टार का इंस्पिरेशन है। मतलब किसी टाइम पे रायस्टार भी एमएटेन का फैन था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि आज से लगभग 3-4 साल पहले एमएटेन हमारे पूरे फ्री फायर का सबसे खतरनाक प्लेयर था। वैसे तो एमएटेन अपने मोबाइल गेम प्ले के लिए फेमस था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से इस बंदे ने पीसी पर खेलना स्टार्ट कर दिया और उस पे एमएटेन का जो गेम प्ले है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आपको एमएटेन के बारे में पहले से पता था। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।